हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 8th चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। तो इसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 के सभी क्वेश्चन। हम लोग ट्राई करेंगे कि सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के खत्म हो जाए। तो सभी लोग कॉपी और बुक खोल कर बढ़िया हमारे साथ बने रहेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो आता हूँ अपने टॉपिक पर। फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन मतलब क्या आप लोग समझते हैं? फैक्टराइजेशन आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे, फैक्टर से ही बना है वर्ड फैक्टराइजेशन। जैसे ये हम लिख रहे हैं 8, तो 8 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? तो 8 का फैक्टर 1 होगा, क्योंकि 1 8 को डिवाइड करेगा। 8 का फैक्टर 2 होगा, 2 भी 8 को डिवाइड करेगा। 8 का फैक्टर 4 होगा, क्योंकि 4 भी 8 को डिवाइड करेगा। और 8 होगा, 8 भी 8 को खुद डिवाइड करता है। तो 1 के 8 के फैक्टर हो गया 1 2 4 और 8। तो 8 के 4 फैक्टर्स मिले, यही फैक्टर्स कहलाते हैं। इसको फैक्टर बोलते हैं, इसे फैक्टर्स ऑफ 8। तो फैक्टर्स ऑफ 8 कौन कौन सा होगा? तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। तो हमने इसको कामा के रूप में लिखा है। तो ये फैक्टर्स है, ये कामा के रूप में। अब इसी को अगर फैक्टराइजेशन करना हो तो हम 8 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है फैक्टराइजेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 4, यह भी फैक्टराइजेशन है। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 8, यह भी फैक्टराइजेशन है। तो यह भी फैक्टराइजेशन है, यह भी फैक्टराइजेशन है, यह भी फैक्टराइजेशन है। तो हमको इस चैप्टर में क्या करना है, अब यह समझना है कि इस चैप्टर में हमको क्या करना है, कौन सा फैक्टर फैक्टराइजेशन करना है। तो हमको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो इसमें ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइम होते हैं। जैसे हम लिखते हैं 12, मान लो हम लिख रहे हैं 12, यहाँ पर हमने लिखा 12, तो 12 के फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 2 × 4 × 4 × 3 × 12, ये फैक्टर्स होंगे। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्यों बोलते हैं प्राइम फैक्टर? क्योंकि 2 प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, ये सभी प्राइम नंबर, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये सभी प्राइम नंबर्स होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। समझ में आ गया? प्राइम फैक्टर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं, वो सभी जो फैक्टर्स होते हैं वो सभी प्राइम नंबर्स होते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 6, तो ये प्राइम फैक्टर नहीं है, 2 प्राइम फैक्टर है लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 6 कट जाएगा अभी। तो ये प्राइम फैक्टर है, ये केवल फैक्टर है। अगर हम इसको लिखें 1 × 12, तो यह भी फैक्टर है, केवल फैक्टर है, क्योंकि अभी 12 का फैक्टर और बनेगा। तो 12 क्योंकि 12 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम प्राइम नंबर बनाएंगे, तो इस तरह से बनेगा। मतलब कि इसको हम छोटा सी 12 को इतना छोटा कर दें, या 4 को या 6 को इतना छोटा कर दें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 3, यह भी फैक्टर है, लेकिन इसमें कौन सा प्राइम फैक्टर है? तो ये प्राइम फैक्टर है, क्योंकि इसमें अब सभी नंबर जो फैक्टर्स है सभी प्राइम नंबर्स है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स, इसलिए इसको बोलते हैं फैक्टर। तो हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, ये करना है 2 × 2 × 3, मतलब हमको प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम से फैक्टराइजेशन से मतलब क्या है? प्राइम फैक्टर। फैक्टर से मतलब क्या है? प्राइम फैक्टर करना है। समझ पाएगा सर? क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ये लिखा हुआ है फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? अब समझो, पहले इसको एक बार थोड़ा और डिटेल कर दे। ये मान लें हम लिख रहे हैं 6 लिख रहे हैं, तो 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक होगा 2 होगा, एक होगा 3, 2 × 3 होगा। और अगर हम 8 लिख रहे हैं तो 8 का फैक्टर होगा 2 × 2 × 2, ये प्राइम फैक्टर से। अब इसमें कॉमन कौन, दोनों में कॉमन कौन, यहां पर 2 कॉमन है, ये हो गया कॉमन फैक्टर, ये हो गया कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 2 आएगा, हो गया कॉमन फैक्टर। तो यही कॉमन फैक्टर हमको इसमें बताना है। तो हम लिख रहे हैं पहले 12 एक्स, 12 एक्स है,
12x का, तो 12x को कैसे लिखेंगे, 12x को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको पहला क्या होता है, इसका फैक्टर करना। तो 12x को हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर मतलब क्या, अगर हमको 12 का करना होगा, केवल 12 रहता, 12 का फैक्टर करना होता तो हम उसको लिख देते 2 × 2 × 3। आप ऐसे किए होंगे, आप इस तरह से किए होंगे, 12 का करते तो 2 से पहले काटते 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, फिर 2 3 से काटेंगे 1 बार में, ये हो गया 2 × 2 × 3। 12 का करना होता तो 12 का हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में है 12x लिखा है, तो हम इसमें वही काम करेंगे जो इसमें करते, नंबर का फैक्टर अलग करेंगे और x जो एल्जेब्रिक टर्म है, एल्जेब्रिक टर्म का मतलब है x y या z जो भी कुछ होगा उसका हम अलग करेंगे, सबका अलग अलग करेंगे, तो हम नंबर का करेंगे, पहले नंबर का करेंगे, नंबर कर रहे तो ये होगा ये 2 × 2 × 3 हो गया ये, और x से इंटू x लिख दिया हमने, हो गया ये। अब क्या करना है, 36 का करना है, 36 का भी फैक्टर करेंगे, 36 का भी फैक्टर कर लो, यहाँ पर ऐसे कर लो, 2 से कटेगा 18 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से 3 से कटेगा 3 बार में, और 3 से फिर कटेगा 1 बार में, तो 2 × इसको लिखेंगे, 36 को लिखेंगे, 36 को 2 × 2 × 2 × 3 × 3 हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है वो देखेंगे, कॉमन क्या है इसको बिठा दे रहा हूं, आप लोग नोट करते रहिए और या स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने आता होगा तो ले लो, और नहीं आ रहा स्क्रीनशॉट लेने तो आप अपने घर के किसी बड़े से, भैया से, दीदी से या मम्मी पापा से पूछ लीजिए कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, आपको बता देंगे स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैं इसको बिठा रहा हूं, जगह कम पड़ रहा है। अब इसका जो हम निकाल रहे हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, तो इसमें देखो कौन कौन कॉमन है, यहां 2 है, इसमें 2 है, दोनों में 2 कॉमन है, 2 यहां भी, 2 यहां भी, यह भी कॉमन है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी, यह भी कॉमन है, और x यहां नहीं है, 3 यहां, 3 यहां नहीं है, तो उसको कॉमन ही लेंगे, तो ये 2 कॉमन मिला इनटू ये 2 कॉमन मिला इनटू ये 3 कॉमन मिला, और ये और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 या 4 3 या 12 ये हो गया, हो जाएगा ये कॉमन फैक्टर, हो जाएगा cf कॉमन फैक्टर, हो जाएगा ये 12 कॉमन फैक्टर हमको मिल गया, समझ में आ गया। अब आप लोग इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर लिखा हुआ है 2y, तो 2y को कैसे लिखेंगे, 2 ओनली 2 है तो 2 को हम केवल लिखेंगे 2, बस 2 को केवल 2 लिखेंगे, और इनटू y है तो y लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब फिर 22y है तो 22xy, तो 22 को आप लोग फैक्टर करना चाहते हो 2 × 11, 22 को फैक्टर कैसे करते हैं 2 × 11, तो ये लिखो 2 × 11, और x है तो x और y है तो y, हम लिख दिया। अब इसमें कॉमन फैक्टर लिखेंगे, तो इसमें 2 को हमने सर्किल कर दिया, मतलब इनको इनक्लोज कर दिया, क्योंकि ये कॉमन मिल जाए तो हमने इसको इनक्लोज कर दिया, y यहां पर है, y यहां भी, दोनों जगह y है, तो ये y को भी हमने इनक्लोज कर दिया, x यहां पर है, यहां पर है, x नहीं है, यहां 11 है, यहां नहीं 11 है, नहीं मिल रहा है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन का मतलब ये होता है जो दोनों जगह मिले, दोनों जगह मिले वही कॉमन होता है, तो हमको क्या क्या कॉमन मिला, 2 मिला कॉमन और इंटू y कॉमन मिला, तो 2 × y मतलब 2y हो गया, तो हो गया हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 4PQ है, तो 4PQ अब इसको फैक्टर करो, 4 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × P × Q, ठीक है, हो गया। फिर 28P²Q², तो आप लिख रहे हैं 28P²Q², तो 28 को फैक्टर करना पड़ेगा, बिना फैक्टर किए नहीं, अगर आपको डायरेक्ट करने आ रहे तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, आप डायरेक्ट कर सकते हो,
अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर दो, कोई इसके कोई मैटर नहीं है। आप नहीं आ रहा है करने तो आप ऐसे करो, 28 को अलग से करो, 28 को 2 से कटेगा, पहले 14 बार में 2 से कटेगा, 7 बार में 7 से कटेगा, 1 बार में 2 into 2 into 7 लिखेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, 28 का अलग करेंगे, पी स्क्वायर का अलग करेंगे, क्यू स्क्वायर का अलग करेंगे, सबका अलग अलग करेंगे। तो 28 को लिखेंगे 2 into 2 into 7 और पी स्क्वायर को लिखेंगे पी इंटू पी, क्यू स्क्वायर को लिखेंगे क्यू इंटू क्यू। हो गया। अब इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या 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 कॉमन मिल रहा है, तो इन दो इसमें 2-2 कॉमन मिला, इसमें भी 2-2 कॉमन मिला, पी और पी यहां कॉमन मिला, पी और पी में, और क्यू भी कॉमन मिल रहा है। ये क्यू और क्यू इंक्लोज कर दिया, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, और कुछ नहीं है। 7 यहां पर है, ऊपर नहीं 7 है, पी यहां है, ऊपर पी नहीं है, क्यू भी है, क्यू कॉमन हो गया। अब यही कॉमन मिला है, 2 मिला हमको कॉमन, ये 2 कॉमन मिला और ये पी कॉमन मिला और ये क्यू कॉमन मिला। टू कॉमन मिला, ये पी कॉमन मिला, ये क्यू कॉमन मिला। तो लिखेंगे 2 2 4 पी और क्यू, ये 4 PQ कॉमन हो जाएगा। तो यही कॉमन फैक्टर हुआ, यही 4 PQ कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ देखो, 4 बता रहा हूँ, यहाँ पर 2x है तो इसको लिखेंगे 2 into x, यहाँ पर 3x स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 3 into x into x, समझ में आ गया। 4 को लिखेंगे 4 को 2 into 2। अब इसमें देखो, अब इसमें 3 टर्म है, 2x फर्स्ट टर्म है, 3x स्क्वायर सेकंड टर्म है, 4 तीन टर्म है। तो अब क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे तो तीनों में कॉमन मिलना चाहिए, तभी हम कॉमन कहेंगे। कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन मिले तो तीनों में एक साथ मिले, और अगर दो में कॉमन मिल रहा है, एक में कॉमन नहीं मिला, तो उसको हम कॉमन नहीं मानेंगे, उसको कॉमन नहीं मानेंगे। तो यहां पर देखो, 2 यहां पर है, 2 यहां भी है, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो कॉमन नहीं मानेंगे। x यहां पर है, x यहां, 2 में कॉमन x है लेकिन इसमें x नहीं है तो कॉमन नहीं मिल रहा है। 3 यहां पर है और यहां पर 3 नहीं, यहां पर भी 3 है, 3 भी कॉमन नहीं मानेंगे। तो इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिला, अब क्या करोगे, कोई भी नंबर या लेटर कॉमन नहीं मिला तो क्या करोगे, छोड़ दोगे, जीरो कर दोगे। कुछ बच्चे जीरो लिख देते हैं, कुछ बच्चे जीरो लिख देते हैं, जीरो नहीं होगा, 1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी नंबर हैज कॉमन एज 1, हर नंबर का 1 कॉमन फैक्टर होता है, हर नंबर का 1 कॉमन, तो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, कॉमन फैक्टर सीएम जो है 1 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इसका कॉमन फैक्टर 1 लिखेंगे, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। अब आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ 6a b c, इसको फैक्टर करना है, 24 ab स्क्वायर इसका कॉमन, इसका फैक्टर करना है, और 12 a² b इसका फैक्टर करना है। तो आप लोग इसको 6 को हमने 6 को फैक्टर करने की जरूरत है, 6 का फैक्टर बहुत इजी होता है, 2 into 3 डायरेक्ट लिखो, 2 into 3 into a है तो a लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे, सी है तो सी लिखेंगे। अब 24 को, अगर किसी को 24 का डायरेक्ट करने आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका कोई मैटर नहीं कि आप डायरेक्ट लिखा है तो वो गलत है, ऐसी बात नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जिसको नहीं आ रहा है 24 का करने, वो ऐसे किनारे पर कहीं पर एक करके 2 12 बार भी कटेगा, 2 6 बार भी कटेगा, 2 से 3 बार भी कटेगा, 3 से 1 बार भी कटेगा। तो इसको लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 3 into 2 2 या 4 2 या 3 24 हो गया। अब ये क्या लिखेंगे,
और बी स्क्वायर को लिखेंगे बी इंटू बी, ठीक है। अब 12 को लिखेंगे, 12 को, 12 को कैसे लिखेंगे, 12 का फैक्टर करने आता है, आप यहां से कर लो 24 बेटा, तो यहां से कर लो, देखो 2 से 12 कटा, 2 से 6 कटा, 2 3 से 1 कटा, 2 into 2 into 3 आएगा, 2 into 2 into 3, और a स्क्वायर है, a स्क्वायर को लिखेंगे a into a, और b है तो into b लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया। कॉमन फैक्टर हो, सबका कॉमन फैक्टर, कॉमन टू टू टू, दोनों जगह टू है, कॉमन हो गया। थ्री यहां है, थ्री यहां है, थ्री यहां भी, थ्री यहां, थ्री यहां और थ्री यहां है, कॉमन हो गया, थ्री थ्री थ्री, तो हमने ये भी थ्री भी कॉमन लिया, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। टू यहां है, टू यहां है, ऊपर वाले में टू नहीं है कहीं, तो कॉमन नहीं लेंगे। अब लेंगे ए कॉमन, ए यहां तीनों जगह है, ए यहां है, ए यहां भी है, ए कॉमन हो गया, और बी कॉमन है, बी यहां, बी यहां, बी यहां, तीनों जगह है, तो बी भी कॉमन मिला, बी कॉमन हो गया, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो अब लिख देंगे टू, टू कॉमन मिला, थ्री कॉमन मिला, ए कॉमन मिला, बी कॉमन मिला, सी कॉमन नहीं मिलेगा, तो हो जाएगा टू थ्री या सिक्स, ए बी, ए इंटू बी मतलब ए बी हो गया, सिक्स ए बी कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग इसको नोट कर लेना और घर पर प्रैक्टिस करना है, घर पर प्रैक्टिस करना है, घर पर, जब तक घर पर लगाओगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा बेटा, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही आसान है समझना, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा, और जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो बेटा इसको प्रैक्टिस करना है। तो ये फाइव हो गया, उसके बाद से ये सिक्स क्वेश्चन और ये सेवन क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है, आप लोग घर पर करना होमवर्क है, और अगर बाय द वे नहीं समझ नहीं आ रहा है करने, तो हमें कमेंट में, कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर हमको इस चैप्टर का, चैप्टर का इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में, हमको एक बार समझा दीजिए। चैप्टर का नाम लिखना, एक्सरसाइज का नाम लिखना, क्वेश्चन नंबर डालना, तब कमेंट करना कि हमको इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का यह क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, हमको, हम आपको लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं अब क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में लिखा हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को आपको अब यहां पर फैक्टराइज करना है। टू का वन ये है 7x माइनस 42, अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो देखो इसका फैक्टराइजेशन बेटा कैसे होता है, इसका देखो 7x माइनस 42 है, अब अगर ऐसे होता 7x और यहां पर कामा लिखा होता, अब माइनस 42 लिखा होता, अगर ऐसे लिखा होता तो हम इसको करते 7x का फैक्टराइजेशन 7 इंटू एक्स, माइनस 42 का फैक्टराइजेशन करते तो माइनस 2 इंटू 3 इंटू 7, तो माइनस 42 के लिखते माइनस 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसका अब इसमें कॉमन देख लेते तो यहां पर 7 कॉमन है, यहां भी 7 कॉमन है, तो हम इसका लिख देते कॉमन फैक्टर 7, 7 कॉमन लिख देते, माइनस यहां पर है, माइनस यहां नहीं, तो साइन में भी कॉमन लिया जाता है, साइन में भी कॉमन लिया जाता है, तो यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस नहीं है, तो माइनस कॉमन नहीं लेंगे, माइनस छोड़ देंगे, बस 7 कॉमन है तो कॉमन फैक्टर हो जाता है, लेकिन ये तब होता होता है जब इस तरह से होता तब, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है इस तरह से 7x कॉमन नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है 7x माइनस 42, अब इसका कह रहा है कॉमन फैक्टर, इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो इसको करते हैं हम ऐसे कॉमन देखते हैं, क्या करते हैं पहला काम है कॉमन देखना, कॉमन कैसे देखेंगे, तो हम देखेंगे नंबर का नंबर में कॉमन, नंबर का नंबर में कॉमन, तो यहां 7 है, यहां 42 है, कॉमन है क्या नहीं पता चल रहा है, तो हम देखते हैं 7 है छोटा नंबर, 42 है बड़ा नंबर, तो 7 से 42 कट जा रहा है,
सेवन से 42 कट जा रहा है, तो ये हो गया सेवन कॉमन हो जाएगा, इसमें हम कर देंगे सेवन कॉमन हो गया। क्यों? क्योंकि सेवन से 42 कट जाएगा, सेवन से सेवन खुद कट जाएगा और सेवन से 42 भी कट जाएगा, तो सेवन कॉमन है। इसको हम लिखेंगे यहां पर सेवन, ऐसे लिखते हैं और फिर नंबर हो गया। अब उसके बाद से अब लेटर भी देखेंगे, लेटर में तो लेटर यहाँ यक्स है और यहां पर नहीं, कोई लेटर नहीं है, तो कॉमन नहीं मिला, हो गया कॉमन, काम खत्म हो गया, एक ही कॉमन मिला सेवन। अब यही करके छोड़ नहीं देगी। अब इसके बाद से एक ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है, ब्रैकेट बना दिया। अब इस क्या करेंगे, इस सेवन से हम डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे, सेवन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसमें, सेवन में, सेवन से डिवाइड करेंगे 42 में। तो पहले किस में करेंगे, सेवन को सेवन एक्स में करेंगे, तो सेवन से सेवन एक्स कट जाएगा। डिवाइड करने मतलब क्या होता है, सेवन एक्स में आप डिवाइड करोगे सेवन से ऐसे, तो सेवन से सेवन कट गया, बच गया एक्स, यहां पर हमने एक्स लिख दिया, ठीक है। फिर ये माइनस है तो माइनस हो गया, फिर ये है 42 में डिवाइड करना है, 42 में, तो 42 में डिवाइड करने मतलब क्या है, सेवन नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा सेवन से सिक्स बार में, तो सिक्स बार में कटेगा या आ जाएगा सिक्स। अब अगला नंबर नहीं है, बस बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, हो गया कॉमन, हो गया हमारा कॉमन, हो गया सेवन, और ये हो गया फैक्टराइजेशन। ये जो है दिस प्रोसेस इज नोन एज फैक्टराइजेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन हो गया। अब नंबर टू पर आ जाओ, नंबर टू पर देखो, नंबर टू में दिया है 6p-12q। क्या करेंगे, पहले नंबर का नंबर में कॉमन खोजेंगे, फिर लेटर का लेटर में कॉमन खोजेंगे। तो नंबर का नंबर में सिक्स का सिक्स है और ट्वेल्व है, तो इसमें छोटा वाला नंबर देखते हैं, छोटा वाला नंबर से, तो छोटा वाला नंबर सिक्स है। अब सिक्स से सिक्स खुद कट जाएगा, सिक्स से ट्वेल्व कट जाएगा दो बार में, तो सिक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ इक्वल लिखेंगे, सिक्स कॉमन हो गया, क्योंकि सिक्स से सिक्स खुद कट जाएगा और सिक्स से ट्वेल्व भी कट जाएगा, तो सिक्स कॉमन हो गया। अब देखेंगे नंबर मिल गया कॉमन, अब देखेंगे लेटर में, तो लेटर यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, दोनों जगह पी नहीं है, नहीं कॉमन हुआ, क्यू, अब क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर क्यू नहीं है, तो ये भी छोड़ देंगे। पी भी कॉमन नहीं होगा, क्यू भी कॉमन नहीं होगा, सिक्स क्यों कॉमन होगा, कॉमन मिल गया, कॉमन जैसे मिला हम तुरंत ब्रैकेट लगा देंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या करेंगे, इस सिक्स से हम डिवाइड करते हैं, इसमें सिक्स से डिवाइड करेंगे, इसमें सिक्स पी में सिक्स से डिवाइड करेंगे ट्वेल्व क्यू में, तो सिक्स से सिक्स पी में डिवाइड करेंगे तो सिक्स कट जाएगा, पी बचेगा, माइनस सिक्स से ये ट्वेल्व कट जाएगा टू बार में और क्यू बच जाएगा। अब कोई नंबर नहीं आ गया तो बंद हो जाएगा ब्रैकेट, हमारा काम खत्म हो गया काम। अब नंबर थ्री पर आ जाओ, यह नंबर थ्री 7a² + 14a, इसमें देखो क्या है, सेवन यहाँ है, सेवन फोर्टीन यहाँ, तो सेवन कॉमन नहीं रहा, सेवन से सेवन खुद कर जाएगा, सेवन से फोर्टीन कर जाएगा, तो सेवन कॉमन हो गया, सेवन से नंबर का कॉमन, काम खत्म हो गया सेवन। अब उसके बाद क्या करेंगे, लेटर में कॉमन खोजेंगे, तो लेटर यहाँ पर ए और यहाँ पर लेटर ए स्क्वायर है, तो यानी कि ए कॉमन मिल रहा है, ए है दोनों जगह, तो ये कॉमन होगा। लेकिन अब देखते हैं किसमें पावर सबसे कम है, लोएस्ट पावर किसका है, यहाँ पर ए का पावर वन है, यहाँ पर ए का पावर टू है, तो सबसे छोटा पावर ए का पावर वन है, तो हम सबसे छोटा वाला पावर कॉमन लेते हैं। अगर लेटर में कॉमन मिल रहा है और एक लेटर का पावर कम है, एक लेटर का पावर ज्यादा है, तो जिसमें सबसे कम पावर होता है उसको हम कॉमन लेते हैं। तो ए का पावर वन है, यहाँ पर वन लिखा नहीं है मानते हैं, और यहाँ ए का पावर टू है, तो सबसे कम पावर ए का पावर वन है, एक पावर वन कॉमन ले लिया, कॉमन काम खत्म हो गया, ब्रैकेट बना दो। अब क्या करोगे, इस सेवन ए से आप डिवाइड करो, इस सेवन ए स्क्वायर, तो सेवन से सेवन कट जाएगा, वन टाइम वन यहाँ आएगा तो वन नहीं लिखते, यहाँ वन नहीं लिखते, सेवन से सेवन कट जाएगा बस। अब उसके बाद से ए से डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर कट जाएगा ऐसे, तो बन जाएगा केवल ए,
ए से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, फिर यहाँ से प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया। अब सेवन से डिवाइड करेंगे 14 में तो टू बार में कटेगा तो यहाँ टू लिखा। ए से डिवाइड करेंगे 14 ए में तो ए से ए कट गया, कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट क्लोज हो गया काम, फैक्टर काम खत्म हो गया। अब यहां पर देखो नंबर फोर पर, नंबर फोर पे देखो -16z और +20z इज टू पावर क्यूब है। इसमें हम कॉमन खोजेंगे पहले, तो सबसे पहले कॉमन किसमें लेते हैं, सबसे पहले नंबर का कॉमन लेते हैं फिर लेटर का कॉमन लेते हैं। सबसे पहले कॉमन किसमें लेते हैं, नंबर में, फिर उसके बाद से कॉमन लेते हैं लेटर में। तो यहां पर नंबर 16 है और 20 है। इसके पहले अभी और भी इसमें एक कॉम्प्लिकेशन आ गया, निगेटिव साइड का, या निगेटिव या प्लस है। तो हम पहले क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं साइन का साइन में, साइन का साइन में। अब यहां पर उल्टा हो गया, पहले किसे कॉमन लेते हैं, नंबर का नंबर में कॉमन लेते हैं, फिर लेटर का लेटर में कॉमन लेते हैं, और अगर साइन आ गया, निगेटिव साइन आ गया, तो अब पहला काम हो जाएगा, हम पहले साइन को साइन में निगेटिव, मतलब माइनस, अगर यहां भी माइनस होता या प्लस यहां पर माइनस होता तो हम माइनस कॉमन लेते पहले, उसके बाद से नंबर, उसके बाद से लेटर। इसमें था सभी प्लस प्लस था, प्लस प्लस था तो साइन में कोई झंझट नहीं था, इसमें है माइनस साइन, तो माइनस साइन है तो हम माइनस साइन कॉमन ले, यहां भी माइनस साइन होता तो हम माइनस साइन पहले कॉमन लेते फिर नंबर लेते फिर लेटर लेते। तो यहां पर तो माइनस है, यहां पर प्लस है, तो यहां दोनों जगह माइनस नहीं है तो माइनस कॉमन नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, यानी साइन का काम छोड़ दीजिए। या अगर यहां पर माइनस होता प्लस की जगह पर तो हम यहां पर माइनस कॉमन लेते फिर नंबर कॉमन लेते फिर लेटर कॉमन लेते, लेकिन यहां पर माइनस कॉमन नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पर माइनस यहां पर प्लस है, तो माइनस का कॉमन नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। अब नंबर पर आ जाओ, नंबर पर 16 एंड 20 है, 16 20 में क्या कॉमन मिला है, 16 कॉमन लेंगे तो 16 से 20 नहीं कटेगा, 16 से 16 तो कट जाएगा लेकिन 20 नहीं कटेगा। अगर 20 कॉमन ले लें तो 20 से 20 कट जाएगा लेकिन 16 नहीं कटेगा, चक्कर आ गया, क्या करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, छोटा नंबर लेंगे, टू लेंगे, पहले टू लेंगे तो टू से 16 कट जाएगा, टू से 20 कट जाएगा, लेंगे टू कॉमन ले रहे हैं तो टू से 16 कट जाएगा, 2 8 16 और 2 10 20। फोर भी कॉमन ले सकते हैं, फोर भी कॉमन ले रहे हैं, 4 से कटेगा, 4 4 16, 4 5 20। तो अब 2 भी कॉमन मिल रहा है, 4 भी कॉमन, अब चक्कर यह है कि अब कौन सा कॉमन माने, 2 माने कॉमन कि 4 कॉमन माने, किसको कॉमन माने, 2 को मानेंगे 4 को मानेंगे। तो अब यहां पर लेते हैं जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको कॉमन लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4 है, तो 4 को हम कॉमन लेंगे, यहां पर 2 को कॉमन नहीं लेंगे, 2 छोटा है, छोटा को नहीं लेंगे, बड़ा जो होता है, जो सबसे बड़ा होता है उसे कॉमन, जिसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा होता है वो हम कॉमन लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा 2 और 4 में सबसे बड़ा 4 है तो हमने 4 कॉमन लिया, ठीक है, कॉमन काम समझ में आ गया सबको। अब लेंगे लेटर में, तो लेटर जेड है, यहाँ पर जेड स्क्वायर है, जेड है यहां पर जेड स्क्वायर, तो इसमें सबसे छोटा पावर, ये जिसमें सबसे छोटा पावर होता है वो कॉमन लेते हैं, तो जेड का पावर 1 है, ये छोटा है सबसे, ये कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के बाद से अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 से कटेगा 16 कितना बार, 4 4 16 4 बार में कटेगा, और ये माइनस है तो माइनस सेम आ जाएगा, माइनस 4 4 16 4 बार में कटा, जेड से जेड भी कट गया, अब प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया हमने। अब 4 से 20 डिवाइड करो, 4 5 25 बार में कटा, और जेड से जेड स्क्वायर कटा, जेड क्यूब कट जाएगा तो जेड स्क्वायर बच जाएगा, सब काम खत्म हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, हमारा काम खत्म हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ इसको, उसके बाद से आप लोग घर पर करना, ये
फाइव नंबर का क्वेश्चन करा दे रहा हूं, फाइव नंबर का क्वेश्चन 20L² + 30AL² ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले कॉमन खोजो, पहले नंबर का नंबर कॉमन लेना है, तो नंबर में कौन कॉमन लेना है, नंबर का कॉमन दे तो खोजो पहले, टू से करिएगा 20, टू से करिएगा 30, फोर से नहीं करिएगा 5, फाइव से करिएगा, फाइव से करिएगा 20, फाइव फोर या 20 और फाइव से या 30, फाइव भी मिल रहा है कॉमन, 10 भी कॉमन मिल रहा है, 10 से भी करिएगा, 10 से 10 भी या 20 और 10 से 3 या 30, तो हमारे पास कॉमन में 2 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 10 भी मिल रहा है, अब तीनों तो लेंगे नहीं कॉमन, तीनों तो कॉमन लेंगे नहीं, कोई एक ही कॉमन लेंगे, तो इसमें देखते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा होता है वह लेते हैं, तो 10 सबसे बड़ा है तो हम 10 कॉमन लेंगे, ठीक है। अब नंबर का हो गया, अब लेटर का, लेटर में देखो यल है, यल यहाँ है, यल का पावर 1 है, यहाँ यल का पावर 2 है, तो सबसे छोटा पावर लेंगे, सबसे छोटा पावर यल है, यहाँ यल लेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे, अब डिवाइड करो, 10 से कटेगा 22 बार में, यल से यल स्क्वायर करिएगा यल बच जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ का प्लस यहाँ आ गया, 10 से 30 कट जाएगा 3 बार में, ए बच जाएगा, यल से यल कट जाएगा यल बच जाएगा, हो गया। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन हैं, जैसे यह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये सब सभी क्वेश्चन आप लोग घर पर करना, और नहीं आएगा तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखना कि इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आ रहा है, समझा दीजिए, तो क्वेश्चन आपके लिए समझा देंगे और एक अलग से वीडियो बना देंगे। 3 का 1 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, x² + x y + 8x + 8y ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने का, इसमें दो दो नंबर का एक ग्रुप बना लेते हैं, सभी इस क्वेश्चन देखोगे तो सभी में 4 टर्म है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सभी में सिमिलरिटी है, सभी में 4 टर्म दिया हुआ है, तो इसमें अगर आप कॉमन खोलोगे, जैसे क्वेश्चन ये लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन को ले रहे कॉमन लेंगे, तो नंबर का कॉमन लो, तो 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ नहीं कॉमन तो नहीं मिला, नंबर का कॉमन खत्म हो गया, नंबर में कॉमन नहीं मिला, और यक्स भी देखो, यक्स यहाँ नहीं है, तो कॉमन मतलब है कि 4 टर्म है तो सभी में यक्स यक्स मिले तब कॉमन यक्स मानेंगे, अगर वाई कॉमन ले रहे हैं तो वाई यहाँ पर है दो ही जगह है, तो न यक्स कॉमन मिल रहा है, न वाई कॉमन मिल रहा है, न नंबर कॉमन मिल रहा है, अब क्या करेंगे, आप कहोगे क्वेश्चन ही गलत है, आप कहोगे क्वेश्चन ही गलत है, कुछ भी कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, न 8 मिल रहा है कॉमन, न 2 कॉमन मिल रहा है, न x कॉमन मिल रहा है, न y कॉमन मिल रहा है, तो क्वेश्चन ही गलत है, आप टेका दिया क्वेश्चन ही गलत है, और आप अपने से पिन छोड़ा लिया कि हमारा काम खत्म हो गया, क्वेश्चन गलत नहीं है, इसमें ट्रिक है, क्या ट्रिक है, तो हम इसमें अब दो दो का ग्रुप बना लेंगे, दो दो में कॉमन लेंगे, दो दो ग्रुप बना लेंगे, दो दो नंबर का एक एक ग्रुप बना लेंगे, दो का एक ग्रुप, दो का एक ग्रुप, चार है, चार टर्म है, तो दो का एक ग्रुप, दो का एक ग्रुप, अब दो दो का ग्रुप में एक ग्रुप में कॉमन लेंगे, फिर एक ग्रुप में कॉमन लेंगे, समझा रहा हूं, ऐसे देखो, ये देखो x² + xy ये दो का एक ग्रुप हमने बना लिया और बच गए ये दो ग्रुप, इसका हमने दो का एक ग्रुप और बना लिया, दो ग्रुप हो गए, अब इस ग्रुप में क्या कॉमन मिला, केवल आप इसमें देखो, आपको केवल इसमें देखना है, इसमें आपको क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें इधर वाला क्या है भूल जाओ, इधर वाला क्या है भूल जाओ, केवल आप इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको, x² + xy में क्या कॉमन मिल रहा है, x यहाँ x कॉमन ले लिया,
ठीक है, यस कॉमन लिया, वाई यहां वाई आ गई तो वाई कॉमन नहीं लेंगे। अब फिर ब्रैकेट बना लो, ब्रैकेट बन गया, अब यक्स से डिवाइड करेंगे, यक्स स्क्वायर में तो कितना बार कटेगा, यक्स से यक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यक्स बचेगा केवल, फिर ये प्लस है तो प्लस लिखा गया, ये प्लस है तो प्लस आ गया, और फिर यक्स से डिवाइड करेंगे यक्स वाई में तो यक्स से यक्स कट गया वाई बचा, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इधर का काम खत्म हो गया, ठीक है, इधर काम खत्म हो गया। अब आप इधर आ जाओ, ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दो, ये प्लस है जैसे प्लस है वैसे प्लस लिख दो यहाँ, और अब आप भूल जाओ यहाँ से इधर क्या था, इधर क्या था, अब भूल जाओ। अब इधर में देखो, इधर में दो 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 का है, एट एक्स प्लस एट वाई है, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, एट एट कॉमन मिल रहा है, क्योंकि एट यहाँ भी एट यहाँ भी एट कॉमन ले लिया, ठीक है, यक्स यहाँ यक्स यहाँ नहीं है वाई यक्स कॉमन नहीं लेंगे, वाई यहाँ है वाई यहाँ नहीं है वाई कॉमन नहीं लेंगे, एट यहाँ है और एट यहाँ भी है दोनों जगह एट कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बना दिया। अब डिवाइड करो, एट से एट कट गया यक्स बचा, अब ये प्लस है तो प्लस रहेगा, ये जैसा वैसे ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, एट से एट कट गया वाई बचा, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है, यहां तक काम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आपको अब नजर आ रहा है, इस ग्रुप में यक्स है, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, इस ग्रुप में एट है और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई है, अब इस पूरे ब्रैकेट ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है, इसमें अब आपको ब्रैकेट और ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है, कौन सा ब्रैकेट, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई सेम है ना, एक्स प्लस वाई इस ब्रैकेट इस ब्रैकेट में भी एक्स प्लस वाई दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, अब पूरा का पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लेंगे, यहां से एक्स प्लस वाई ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया, ये कॉमन हो गया, क्या कॉमन हुआ, एक्स प्लस वाई कॉमन हुआ। अब क्या करोगे, कॉमन मिलने के बाद क्या करते हो, तुरंत एक नया ब्रैकेट बनाते हो, ब्रैकेट बना लिया, कॉमन मिल गया तो ब्रैकेट बनाया, अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ब्रैकेट से ब्रैकेट में डिवाइड करेंगे, क्या हो गया, दोनों सेम है, कट जाएगा केवल एक्स बचेगा, ये प्लस है तो प्लस आएगा, अब इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट में डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस सेम है, तो क्या बचेगा, एट बचेगा, यहाँ एट बचा तो एट बचा, हो गया काम खत्म हो गया फैक्टराइजेशन हो गया। अब दूसरा भी एक समझा दें तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, दूसरा देखो ये है 15xy, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, अगर आप कॉमन खोजोगे तो इसमें कोई भी नंबर नहीं है जो कॉमन होगा, दोनों चारों जगह कॉमन है, यहाँ 2 है, 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 15 नहीं कटेगा, 2 कॉमन नहीं हुआ, 3 कॉमन लोगे तो 3 से 15 कटेगा, 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 से 2 नहीं कटेगा, यानी नंबर कॉमन नहीं मिला, ठीक है। अब यक्स देखो, यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी, यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं हुआ यक्स, वाई देखो वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर, ये वाई यहाँ नहीं है, वाई यहाँ नहीं, वाई भी कॉमन, कोई नंबर कॉमन नहीं। अब क्या करोगे, ट्रिक लगाओगे, चार चार कर लो, 1 2 3 को, तो दो दो का ग्रुप बनाओगे, एक ग्रुप ये बनेगा और एक ग्रुप ये बनेगा, ठीक है। अब इस ग्रुप में कॉमन लो, क्या कॉमन, इसमें 6 लेंगे कॉमन, तो 6 से 6 कट जाएगा खुद, लेकिन 6 से 15 नहीं, 6 के टेबल में 15 नहीं आता है, तो क्या लेंगे, अब 6 से छोटा लेंगे, 6 कॉमन है तो 6 से छोटा लेंगे तो 3 हुआ, 3 हुआ, क्योंकि 3 से 15 कट जाएगा 5 बार, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो 3 कॉमन हुआ, तो 3 कॉमन ले लिया। अब क्या है, यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी है, लेटर पे कॉमन लेंगे तो यक्स कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे, अब ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट बन गया। अब डिवाइड करो, 3 से 15 कटा 5 बार में, यक्स यक्स कट गया वाई बचा, माइनस है माइनस साइन आ गया, माइनस साइन आ गया, अब 3 से काटो 6 को, 3 से कटा 6 2 बार में, यक्स यक्स कट गया कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट बंद हो गया, इधर का काम खत्म हो गया। अभी इधर आ जाओ, इधर भी, इधर भी 5y-2 है, तो इसमें क्या कॉमन मिला, 5y में और 2 में, 5 में और 2 में क्या कॉमन मिला, लेकिन कुछ कॉमन नहीं है,
टू के टेबल पे फाइव नहीं आता है, वाई यहाँ पर वाई यहाँ नहीं, वाई भी नहीं कॉमन है, कुछ भी कॉमन यहाँ नहीं मिली। इस अब हमने जो दूसरा ट्रिक लगाया है कि दो दो का ग्रुप बना देते हैं, अब इस ग्रुप में भी प्रॉब्लम आ गया, कोई कॉमन नहीं, तो क्या करोगे? तो जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, भगवान एक होते हैं, भगवान सबका मालिक एक है। तो यहाँ पर हम वन प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे और वन कॉमन लेंगे। जिसका कोई कॉमन नहीं मिलता है वो भगवान होते हैं एक, सबका मालिक एक है, या वन हम कॉमन ले लेते हैं। जहाँ पर कुछ भी कॉमन ना मिले, कोई कॉमन ना मिले, तो वन कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर वन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट बन गया, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे फाइव वाई में तो फाइव वाई ही रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, ये माइनस जो साइन है वही यहाँ माइनस रहेगा, वन से टू में डिवाइड करेंगे टू ही आएगा। अब देखो ब्रैकेट फाइव वाई माइनस टू, फाइव वाई माइनस टू, दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, ब्रैकेट सेम हो गया। अब यही पूरा का पूरा ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे, फाइव वाई माइनस टू कॉमन ले लिया, कॉमन हो गया। अब क्या करेंगे, तुरंत एक नया ब्रैकेट बनाएंगे, नया ब्रैकेट बना, फाइव वाई माइनस टू से फाइव माइनस वाई टू कट जाएगा, बच जाएगा थ्री एक्स, ठीक ये बचेगा, फिर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फाइव वाई माइनस टू से फाइव वाई माइनस टू ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, बच जाएगा वन, यहाँ वन हो गया आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग ये थर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, फोर्थ और फिफ्थ को आप लोग घर पर कर रहा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दो, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन बनाते हैं, थर्ड क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग घर पर करना, होमवर्क बहुत ईजी है, थर्ड क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, थर्ड क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, यह क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे, दो दो का ग्रुप बनाने, इस दो का ग्रुप, इस दो का ग्रुप, इस ग्रुप में क्या काम मिला, यक्ष यहाँ यक्ष यहाँ, दोनों जगह यक्ष काम मिलेगा, ब्रैकेट में बना ब्रैकेट बनाए, अब डिवाइड करेंगे तो यक्ष यक्ष कट गया, ये बचा प्लस यक्ष यक्ष कट गया, बी बचेगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया, माइनस माइनस लिखा हमने, अब वाई यहाँ वाई यहाँ वाई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट के बाद क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप डिवाइड करोगे माइनस वाई का डिवाइड माइनस ए वाई करोगे, माइनस वाई का डिवाइड माइनस ए वाई करोगे तो ये आ जाएगा, ये वाई से वाई कट जाएगा, ये बचेगा। अब इस माइनस वाई से इसमें माइनस में डिवाइड करोगे, देखो कैसे डिवाइड करते हैं, माइनस का माइनस में डिवाइड करेंगे, लेटर का नंबर में डिवाइड करते हैं, लेटर का लेटर में, साइन का डिवाइड पहले करते हैं, साइन का डिवाइड पहले करते हैं, साइन का साइन में डिवाइड, नंबर का नंबर में डिवाइड और लेटर का लेटर में डिवाइड, तो पहले साइन के साइन में करते हैं, तो माइनस के डिवाइड माइनस करेंगे तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस के डिवाइड प्लस होता है, और फिर नंबर का नंबर में तो नंबर तो है नहीं, अब लेटर आया तो लेटर का लेटर में करेंगे, वाई से वाई कर दिएगा बच जाएगा बी, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखो ब्रैकेट ए प्लस बी, ब्रैकेट ए प्लस बी दोनों जगह कॉमन मिल गया, ए प्लस बी हो गया कॉमन हो गया ब्रैकेट, अब नया ब्रैकेट बनाएंगे बच जाएगा यक्स माइनस वाई बच जाएगा और ये सब हो गया। तो आप लोग ये सब घर पर कर लेना।